अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कल हमने यूनिट नंबर फोर कंप्लीट किया था और यूनिट नंबर फोर जो हमारा था दैट वाज रिलेटेड टू वेव्स अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ थर्मोडायनमिक्स और ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हमारा लास्ट यूनिट होगा और इसके बाद हम सेकेंड ईयर के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे इस थर्मोडायनमिक्स के यूनिट के सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस यूनिट में क्या कुछ पढ़ रहे होंगे आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमने इस यूनिट में एस सच कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं पढ़नी मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं पढ़ने का मतलब यह है कि हमने इस यूनिट को 100% परसेंट कवर नहीं करना इस यूनिट के अगर सिलेबस को देखा जाए पीएमसी में तो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स मेंशन है वहाँ पर एक आपके पास यूनिट नंबर फाइव में मेंशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स के अलावा जो दूसरा टॉपिक वहाँ पर मैंशन है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ ऑब्वियसली हम उसकी टाइप्स को भी पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और उसके अलावा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉलीम फिर जब हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं तो लर्निंग आउटकम्स में वो फर्दर इसको एक्सप्लन करता है और उस लर्निंग आउटकम्स में वो एक्सप्लें करता है कि अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिस्कस करना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स के साथ आपको इंटरनल इनर्जी को डिस्कस करना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है और हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और दूसरी चीज हमारे पास जो यहां पर है वो साइंस हैं साइंस किन के साइंस हमारे पास वर्क के हीट के और इंटरनल एनर्जी के चेंज के तो ये वो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो फर्स्ट लॉ के साथ लिंक्ड हैं और हम उसको कवर कर रहे होंगे तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं उसके अलावा अगर आप देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हीट इंजन से रिलेटेड है या कार्नेट इंजन है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर और कॉनैटिक मॉलिकुलर थ्योरी वो भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है एंट्रोपी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है एक बच्चे ने पूछा हुआ कि पीएमसी की अपडेट पीएमसी टू पीएमडीसी का बिल आज सैनट में टेबल होना था और डिस्कशन के बाद पता चलना था वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ऐसा अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो टेस्ट जो स्केजल हमने चेंज किया था उसके मुताबिक आज आपका यूनिट फोर का टेस्ट है और कल मैंने आपको बताया था कि आज आपका यूनिट फोर का टेस्ट होगा और इसका जो टेस्ट है वो वाले देना है यूनिट नंबर फाइव का तो स्टार्ट करते हैं को विदाउट डिले और फिर जब मैं आप लोगों को कहूंगा क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकेंगे जब मैं आपसे पूछूं कोई क्वेश्चन तो उसका आप लोग आंसर दे सकते हैं एस सच उसके अलावा लाइव चैट में कोई बात करने की जरूरत नहीं है तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स जो बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि थर्मोडाइनमिक्स क्या है तो थर्मोडाइनमिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को अब ट्रांसफर ऑफ हीट जो है अगर इसके नेचुरल फिनोमिना की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और ये चीज़ नेचुरल है हाई से लो की तरफ हीट ने ट्रांसफर होना है और हम इसको नाम दे रहे होते हैं थर्मोडाइनमिक्स का थर्मोडाइनमिक्स -e के अगर रिवर्स बात करें कि इसके रिवर्स हमारा फिनमिना क्या होता है तो इसके रिवर्स हमारा जो फिनोमिना है दैट इज रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेशन होती है जो कूलिंग होती है वो आपका रिवर्स फिनोमिना है थर्मोडाइनमिक्स का और थर्मो उसमें क्या होता है उसमें हमारे पास इनपुट वर्क होता है और उस वर्क की वजह से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ से फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मीन्स थर्मोडाइनमिक्स के जो रिवर्स फिनिना हमारे पास कंसिडर किया जाएगा दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन दोनों में अगर मैं बेसिक आपको एक और डिफरेंस बताऊँ तो वो ये है कि थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होता है वो वर्क डन होता है वो मकैनिकल इनर्जी होती है लेकिन हमारे पास रेफ्रिज्रेशन के अंदर जो इनपुट होगा देट विल भी वर्क डन इसी वजह से जब दोनों की एफिशिएंसी को देखा जाता है तो हमारे पास जो थर्मोडाइनमिक्स है उसकी एफिशिएंसी जब आउटपुट ओवर इनपुट तो वहां वर्क ओवर हीट आपके पास इन्वॉल्व होती है जबकि रेफ्रिजरेशन के अंदर आपके पास आउटपुट जो है वो हीट होती है और आपके पास इनपुट क्या होता है वो वर्क डन होता है तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स फिनमिनाज हैं और दोनों के जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं अगर एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब थर्मोडाइनमिक्स को लेकर हमने चलना है कि हमारे पास हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और आगे जाकर हमारे पास ये चीज़ें यूटिलाइज भी होंगी तो हीट जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसका यूनिट जऊल होता है और हमारे पास जो दूसरा फिजिकल क्वानिटी जो बेस क्वानिटी है दैट इज़ टेम्परेचर इनमें क्या डिफरेंस है अगर हीट की बात की जाए कि वट इज़ हीट तो हीट के बारे में हम जानते हैं कि हीट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्राम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी हीट वो एनर्जी है जो हमारे पास ट्रांसफर होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स कहाँ से कहाँ फ्रॉम हॉटर बॉडी मीन्स हाई टेम्परेचर टू अ कोल्डर बॉडी लो टेम्परेचर अगर पूछा जाए कि हीट का ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि हीट का ट्रांसफर डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर जितना हमारे पास दो बॉडीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी और अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो तो हमारे पास हीट वहां ट्रांसफर नहीं होती तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो तो हीट की वैल्यू भी क्या आएगी वहां पर ज़ीरो के इक्वल आएगी टेम्परेचर की बात करें कि वट इज़ टेम्परेचर तो टेम्परेचर को कहा जाता है कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ अब डिग्री का वर्ड भी यूज़ होता है इंटेंसिटी का वर्ड भी यूज़ होता है और लेवल का वर्ड भी यूज़ होता है डिग्री ऑफ़ इंटेंसिटी ऑफ या लेवल ऑफ किस चीज़ का ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कोई चीज़ किस हद तक गर्म है किस हद तक ठंडी है इसकी जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड करने के लिए जो फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ होती है दैट इज टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट हीट और टेम्परेचर के बारे में कि इसको आप कार्नेटिक की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो हीट एनर्जी है इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर हम यूज़ किसे कर रहे होते हैं हम हीट को यूज़ करते हैं तो हीट के बारे में याद रखना है कि हीट इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि जो भी गैस हमारे पास है उसके मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज हीट और आप देखते हो कि हीट के फार्मूलाज के अंदर कॉनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर होता है जबकि टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेंपरेचर हमारे पास एवरेज कानेटिक एनर्जी होती है अब सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है अदरवाइज आप KMT के एम टी के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर की इक्वेशन को ड्राइव करते हो तो वहां पर आपके पास ये रिजल्ट आता है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू टू बाय थ्री के टाइम्स एवरेज कानेटिक एनर्जी ये जो साइंस है ये वाले ये किसके लिए यूज होते हैं जब आपने एवरेज वैल्यू को शो करना होता है और यहां से हमें यह पता चलता है कि टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा वो डायरेक्ट होगा जितनी हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी टेम्परेचर की वैल्यू भी ज्यादा होगी और यहां पर जो के है ये बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट है जो आर ओवर एन ए के इक्वल होता है लेकिन ऐसा फार्मूला हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है मैंने सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये बात बताई है अगर हम दोनों के ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारे पास हीट मेजर होती है जाऊल में और जाउल के बारे में हम वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि किसके इक्वलेंट होता है और जाऊल के अलावा कौन कौन से यूनिट्स हैं जो यूज हो सकते हैं और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है एस वो कैलवन है जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हीट किस किस फॉर्म के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे देखें कहीं पर हीट हमारे पास यूज होती है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए और कहीं पर हीट यूज हो रही होती है स्टेट को चेंज करने के लिए और कहीं पर हीट हमारे पास यूज हो रही होती है सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि सिस्टम एक ऑर्डर फॉर्म में था और वहां पर हीट क्या करेगी एक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगी ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट के नाम क्या है वन बाय वन इनकी बात करते हैं हमारे पास वो हीट जो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करे और स्टेट चेंज ना हो क्या मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है स्टेट चेंज नहीं हो रही मतलब आपका सॉलिड सॉलिड में ही रहेगा लिक्विड लिक्विड में रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा तो ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है और उसका सिंबल क्या होता है इसका सिंबल होता है सी अब चाहे स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट दोनों का सिंबल क्या है सी और इसको डिफाइन हम आगे जाके करेंगे या मैं बेसिक बता दूं ये है क्या दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ़ वन किलोग्राम ऑफ मैटर बाय वन केल्विन कि अगर आपके पास जो मैस है वो वन किलोग्राम है और आपने उसके टेम्परेचर को चेंज वन केल्विन करना है तो इस परपज़ के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट और जब आप इसके फार्मूला को देखते हो कि इसका फार्मूला क्या है तो उसका फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और यहां से अगर आप सी को लिखना चाहो तो सी किसके इक्वल है दैट इज क्यू ओवर एम टाइम्स डेल्टा टी तो ये कांस्टेंट है क्योंकि यहां पर आपने यूनिट मैस को और यूनिट टेम्परेचर के चेंज को लिया उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है इसका यूनिट हमारे पास होता है जउल पर किलोग्राम पर कैलवन जउल पर किलोग्राम पर कैलवन और आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि वाटर में हमारे पास स्पेसिफिकट की वैल्यू क्या होती है फोर्टी टू हंड्रेड आइस के लिए क्या होती है ट्वेंटी वन हंड्रेड तो जहां पर ये रिक्वायर्ड हुई हम इन चीजों को लिखेंगे कितने बच्चों को आवाज का इशू है बच्चे एक दो तो कह रहे हैं आवाज कट के आ रही है क्या उनकी तरफ सिर्फ इंटरनेट का इशू है या किसी और को भी आवाज के कटने का इशू आ रहा है स्पेसिफिक हीट की बात मैंने की कि स्पेसिफिकट क्या है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है लेटन हीट देखिए स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक है टेम्परेचर को चेंज करने से और स्टेट क्या रहती है सेम और लेटन है लेटन हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब हमारे पास अगर मैस वन किलोग्राम है और आपका टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा और आप करो क्या आप उस टेम्परेचर पे चेंज कर दो किस को स्टेट को तो ये जो हीट होती है इस हीट को आप नाम देते हो लेटेंट हीट का और फार्मूला इसका क्या है इट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम टाइम्स एल और यहां से लेटेंट हीट किसके इक्वल आएगा वो क्यू ओवर एम के इक्वल आएगा और यहां पर आपके पास जो यूनिट यूज होता है दैट इज जाउल पर किलोग्राम जाऊल पर किलोग्राम हमारे पास इसका यूनिट होता है तो जाऊल पर किलोग्राम इसके अलावा कहां पर यूनिट यूज होता है ये डोज में यूनिट यूज होता है डोज आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो वहां पर भी जाऊल पर किलोग्राम इसके अलावा कहां पढ़ते हो जब हमने वर्क एनर्जी में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था वी उसका यूनिट भी क्या था जाऊल पर किलोग्राम था नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट क्या है जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास हीट की है दैट इज रिलेटेड विथ थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हमारे पास अगर दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो अगर आप उनको कनेक्ट आपस में करो तो वहाँ पर हीट की कंडक्शन होगी हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी में हीट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है दैट इज़ के टाइम्स डेल्टा टी ए टी डिवाइड बाय एल इस फार्मूला में ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं के जो है ये है कॉफिशंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कि जो मटेरियल्स आपने ज्वाइन किए जिसके थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है ये उसके कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा तो दैट इज कॉफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट होता है गिवन होता है डेल्टा टी क्या है डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस है उन बॉडीज़ के दरम्यान जहां हीट ने ट्रांसफर होना है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया टी टाइम और एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो यहां से आप रिलेशन को लिख सकते हो कि हमारे पास रिलेशन क्या होगा रिलेशन तो क्या होगा कि जितनी हमारे पास लेंथ की वैल्यू कम होगी उतनी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा और जितना टाइम डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतनी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और यहां से आप के को कैलकुलेट करना चाहो कि के किसके इक्वल है तो के आपके पास इक्वल आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्यू टाइम्स एल ओवर डेल्टा ए और साथ क्या आ जाएगा ए इंटू टी और आप इसके यूनिट को जब फाइंड करते हो या आप यूनिट पुट करके देख लीजिएगा तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है इसका यूनिट हमारे पास आता है वॉट पर मीटर पर कैलवन क्या यूनिट इसका है वॉट पर मीटर पर कैलवन क्यों ये हीट का जउल टाइम का सेकेंड तो ये बन गया वॉट लेंथ एरिया सॉल्व करोगे तो नीचे मीटर आ जाएगा टेम्परेचर का कैलवन तो वॉट पर मीटर पर कैल्वन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और जो आपके पास अगर डाउट है इन वेरिएबल्स का तो बेसिकली अगर ये कंडक्टर है एक बार है तो हमारे पास जिस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट ने ट्रांसफर होना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए जिस लेंथ के लॉन्ग ट्रांसफर होना है वह लेंथ क्या है एल और इन दो पॉइंट्स अगर ये पॉइंट वन है और यह पॉइंट टू इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है डेल्टा टी और जितनी देर तक हीट ट्रांसफर होगी दैट इज टाइम टी हीट की नेक्स्ट फॉर्म जहां पर हीट का रिलेशन यूज हो रहा होगा दैट इज एन जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आप कहते हो कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो हर इंजन के अंदर जो हीट आप प्रोवाइड करोगे उसमें कुछ हिस्सा आपको आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी में मिलेगा और बाकी हीट आपकी लॉस हो जाती है जो सिंक में चली जाती है एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इसी की वजह से हमारे पास सिस्टम की जो ऑर्डरनेस है वो कम हो जाती है तो याद रखिएगा कि एंट्रोपी का ताल्लुक हीट से है जितना आपका हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी डिसऑर्डरनेस की सिंपल सी पहचान ये है कि ओवरऑल आपके एन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जा रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं समर ज्यादा गर्म है विंटर ज्यादा ठंडे हैं तो ये हुआ क्या है ये जो ऑर्डरनेस हमारी इन्वायरमेंट की थी वो डिस्टर्ब हो गई है और हम इसको नाम क्या देते हैं एंट्रोपी का और एंट्रोपी के अगर रिलेशन को लिखा जाए कि वो रिलेशन क्या होता है यह आपने पढ़ा था एफ एस सी में दैट इज इक्वल टू हीट ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यू बाई टी और यहां पर जो यूनिट आपके पास आएगा वो यूनिट क्या आएगा वो आपके पास आएगा जाउल पर कैल्वन और यहां से अगर आप हीट को लिखना चाहो तो हीट किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू एस टाइम्स टी तो ये मैंने आपको डिफरेंट हीट के रिलेशन बताए कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट है कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ लेटन हीट है कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है और कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ कर देखिएगा कि आपने इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो यूज करना है वो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या एंट्रोपी यूज हो रही होगी लेटेंट हीट यूज हो रही होगी या फिर स्पेसिफिक हीट यूज हो रही होगी अब इन हीट से रिलेटेड एक ग्राफ को डिस्कस करते हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जहां से आपसे एग्जामिनर डिफरेंट हीट को स्पेसिफाई करवा सकता है कि बताएं कि फ्ला पॉइंट के ऊपर कौन सी हीट है फ्लाम पॉइंट के ऊपर कौन सी हीट है और ये ग्राफ आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ये ग्राफ बेसिकली है एक्सपेंशन ऑफ वाटर से रिलेटेड कि जब टेम्परेचर का हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किस तरह से वो कन्वर्ट आइस से वाटर और फिर वाटर से वेपर्स में होता है तो ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमने जो एक्सिस लेने वो क्या क्या हैं अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास हीट है अलोंग वाई एक्सिस टेम्परेचर और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है हीट है जो पॉइंट आपका ओरिजिन है उस ओरिजिन वाले पॉइंट पे मैं कह देता हूं कि मेरे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है दैट इज माइनस फोर डिग्री सेल्सियस इसके बाद एक और पॉइंट मेंशन करता हूं यहां मैं टेम्परेचर कह देता हूं जीरो डिग्री सेल्सियस और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है अब हो क्या रहा है आप सब जानते हो कि जब टेम्परेचर नेगेटिव फोर डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर की कौन सी स्टेट होती है हमारे पास आइस अब आपने करना क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज करना जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो इसका मतलब आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अब हीट इंक्रीज करेगी आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और आपका पॉइंट अचीव होगा जीरो डिग्री सेल्सियस इसका मतलब यह हुआ कि जीरो डिग्री सेल्सियस तक हीट और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जैसे जीरो डिग्री सेल्सियस अचीव होगा या रखिएगा इस पॉइंट पे जाकर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपने शुरू में जो हीट प्रोवाइड की नेगेटिव फोर्स से लेकर जीरो तक ये वो हीट है जो आइस के टेम्परेचर को चेंज कर रही है और वो हीट जो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज करे हम उस हीट को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट इसका मतलब नेगेटिव फोर्स से लेकर जीरो तक जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहा है वो किसी भी तरह की आइस की स्टेट को चेंज नहीं करता और हम इसी इस हीट को स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे और यहाँ स्पेसिफिक हीट किसकी यूज होगी आइस की क्योंकि आप आइस के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो अब आगे चलते हैं टेम्परेचर अचीव हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस यहां पर क्या होगा यहां पर जब आप फर्दर उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो हीट उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी इसकी क्या वजह इस पॉइंट पर जाकर हीट सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी क्यों क्योंकि अब आपने आइस को कन्वर्ट वाटर में करना तो जब आइस जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमारा जितनी भी हीट होती है वो कानीटिक एनर्जी को टेम्परेचर को चेंज नहीं करती वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है और अल्टीमेटली होता क्या है होता ये है कि जो हमारे पास इनिशियली स्टेट आइस होती है वो हीट देने से कन्वर्ट किस में हो जाती है वाटर में तो क्या यहाँ पर आइस वाटर में कन्वर्ट हुई आइस वाटर में कन्वर्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है और वो हीट जो स्टेट को चेंज करती है हम उसको नाम क्या देते हैं हम उसको लेटेंट हीट का नाम देते हैं इस लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं इस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब आगे क्या होगा इसके बाद फर्दर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे किस परपज के लिए ताकि आप वाटर को कन्वर्ट करो स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट करो तो पहले आपको यह करना पड़ेगा कि पहले आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसका काम टेम्परेचर को चेंज करना होगा यानी दोबारा ग्राफ क्या करेगा इंक्रीज करेगा आप हीट देते जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और टेम्परेचर अचीव कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पर भी आपकी स्टेट अभी तक क्या है वाटर है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर का क्या चेंज हुआ टेम्परेचर अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो इन दो इंटरवल्स के दरमियान आपने जो हीट प्रोवाइड की है दैट इज अगेन स्पेसिफिक हीट और किसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की अब वाटर को कन्वर्ट वेपर्स में करना आप क्या करोगे अब आप मजीद हीट प्रोवाइड करोगे लेकिन अब जो आप हीट प्रोवाइड करोगे वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा वो कानीटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा वो सिर्फ स्टेट को चेंज करेगा तो यहां पर होगा क्या ग्राफ दोबारा से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका मतलब हीट दे रहे हो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है और एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारे पास वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि ये जो हीट है ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट को चेंज कर रही है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जब स्टेट चेंज होती है दैट हीट इज कॉल्ड लेटन हीट एंड दैट इज कॉल्ड लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आपने इस ग्राफ में देखा कि दोनों तरह की हीट इन्वॉल्व हो रही है एक वो भी हीट है जो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज कर रही है और एक वो हीट है जो हमारे पास सिर्फ स्टेट को चेंज कर रही है अब इनकी वैल्यूज अगर याद रखना चाहें ठीक है अदरवाइज ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये वैल्यूज गिवन होती हैं मैं वैसे ही रिमाइंड करवाने के लिए आपको लिखवा देता हूं कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट आइस की है वो कितनी होती है दैट इज ट्वेंटी वन हंड्रेड जाउल पर किलोग्राम पर कैलवा जो हमारे पास लेटन हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू क्या है दैट इज थ्री थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो थ्री लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड और यूनिट इसका क्या है जाउल पर किलोग्राम उसके बाद दोबारा स्पेसिफिक हीट आई वाटर की और वो हमारे पास एग्जैक्टली आइस के डबल होती है फोर्टी टू हंड्रेड जाऊल पर किलोग्राम पर कैलवा और इन द एंड हमारे पास लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है ये बेसिकली आपके पास ट्वेंटी 22 ट्वेंटी टू लैक हो जाती है तो टू टू सिक्स जीरो ट्रिपल जीरो जाऊल पर किलोग्राम ये है आपके पास लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या है कि आपको ऑलमोस्ट टू टू सिक्स जीरो ट्रिपल जीरो पर किलोग्राम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तब जाकर आपके पास वाटर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट किसमें होगा आइस में कन्वर्ट होगा क्लियर है तो ये कुछ मैंने आपको हीट के हवाले से एक इंड्रोडक्शन दिया कि कौन कौन सी हीट होती है और कहां पर आपके पास वो इन्वॉल्व हो रही होती है क्वेश्चन का जब बारी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप तब क्वेश्चन पूछ सकेंगे और बच्चा जो कह रहा है कि हम पीछे रह जाते हैं आप आगे निकल जाते हैं बच्चे लेक्चर को सुने हैंड आउट्स आपको इसके मिल जाएंगे तो लेक्चर पे फोकस करें कि लेक्चर क्या है उन पॉइंट्स को सुने गौर से ताकि वो पॉइंट्स आपको याद भी रहे अच्छा मोलर स्पेसिफिक के बारे में बता दूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने स्पेसिफिक हीट बताई थी अगर किसी के माइंड में डाउट हो तो वो भी सुन लें कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस होता है बेसिक सिंपल तो वही है बस डिफरेंस ये है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर होते हैं अगर नंबर ऑफ मोल वन हो और टेम्परेचर को चेंज करना हो वन कैलवन तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी डेट इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट फार्मूला में चेंज ये आएगा कि वहाँ एम सी डेल्टा टी था यहाँ पर एन सी डेल्टा टी आएगा और सी को जब लिखोगे तो सी इक्वल आएगा क्यू ओवर एन टाइम्स डेल्टा टी ये आपके पास वैल्यूज हैं बाकी दोबारा इसको देखिएगा अगर आपको एक दो दफा देखेंगे सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज किस तरह से हो रही है मेन पॉइंट ये याद रखें कि जब भी स्पेसिफिक हीट होगी तो स्पेसिफिक हीट पर स्टेट चेंज नहीं होती टेम्परेचर चेंज होता है और जब भी लेटेंट हीट होगी तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा और स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर चेंज नहीं होता और इसका रीजन याद रखिएगा कि लेटन हीट के ऊपर आपकी हीट सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है ताकि स्टेट चेंज हो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा अब नेक्स्ट पॉइंट हमने जो यहाँ डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर कि टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर की कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई जगह पर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना होता है तो जब तक आपको इनके बेसिक फॉर्मूलाज ना पता हो आप टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं कर पाते तो बात करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन की कि हम किस तरह से टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं अब टेम्परेचर की जो कन्वर्जन हमें हमारे सिलेबस तक है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन टेम्परेचर की है सेल्सियस फॉरनाइट और कैलवन तो आपने इन तीन की आपस में कन्वर्जन को देखना है सेल्सियस फॉरनाइट और कैलवन ये आपस में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं कोई भी आपका टेम्परेचर का एक स्केल अगर दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो आपने एक बेसिक रेशो याद रखनी है जब भी आपने टेम्परेचर के एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपने एक बेसिक रेशो याद रखनी है वो रेशो क्या है वो रेशा यूं लिखी जाती है कि जो भी टेम्परेचर का स्केल है आप उसको लिखेंगे जैसे सेल्सियस है फॉरन है एक्लवन है वो यहां लिखते हैं उसमें से सेपरेट करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को यानी अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सेल्सियस है तो मुझे पता होना चाहिए कि सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है न्यूमरेटर के अंदर मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और मैंने क्या करना है इसको डिवाइड करना है डिफरेंस से किसका डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो अगर आपको किसी भी स्केल में सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू पता है आप इजीली टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये जो रेशो मैंने लिखी टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हर स्केल में ये रेशो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है हर स्केल में ये रेशो क्या रहती है ये कांस्टेंट रहती है अब मैं इसको आपको लिखना सिखाता हूं टेम्परेचर का स्केल है सेल्सियस आपने टेम्परेचर के स्केल की जगह सेल्सियस लिख दिया सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जीरो आपने फ्रीजिंग पॉइंट की जगह जीरो लिख दिया डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हंड्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो क्या आ गया यह आ गया डिग्री सेल्सियस ओवर ये इक्वल होगा दूसरे स्केल के दूसरा स्केल स्केल क्या है Scale का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी फॉरन हाइट अब फॉरन हाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू पॉइंट जीरो हम थर्टी टू लिख देते हैं डिवाइड बाय फॉरन हाइट में पॉइंट कितना है दैट इज वन टू और फ्रीजिंग पॉइंट थर्टी टू इसका मतलब अगर आपको ये वैल्यूज पता हैं, तो आपने सिंपली इन दोनों को इक्वल कर देना है ये आपका फार्मूला आ गया जिसके थ्रू आप सेल्सियस को फॉरन हाइट में और फॉरन हाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं यही वो फार्मूला है जिसमें आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये फार्मूला यू बन जाता है नाइन बाई क्योंकि वन और हंड्रेड ट्वेंटी इंटू नाइन वन एटी ट्वेंटी इंटू फाइव हंड्रेड तो नाइन बाई फाइव से आता है तो जब तक आपको बेसिक रेशियो ना पता हो आप नेक्स्ट फार्मूला को नहीं लिख सकते आगे चलते हैं तीसरा टेम्परेचर का स्केल जो थर्ड टेम्परेचर हमारे पास स्केल है वो कैलवन है अब कैलवन को कैसे लिखेंगे फॉरन हाइट की जगह हम लिख देंगे यहां पर कैलवन लवन में जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है वो 273.15 होता है डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 और इसमें से सेट कर दोगे 273.15 और अगर इसके अलावा भी कोई स्केल होता तो वहां पर भी हमारे पास ये रेशो क्या रहती ये कांस्टेंट रहती तो अब आप यहां पर लिखो कि वैल्यू क्या आई यह आ गया कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री और नीचे आपके पास क्या आ रहा है हंड्रेड आ रहा है तो ये आपके पास कन्वर्जन आ गई अब आप जिसको भी आपस में कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकते हो लेट से आपने कन्वर्ट करना है फॉरन हाइट को कैलवन में या कैलवन को कन्वर्ट करना है फॉरन हाइट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट करो 180 एटी वहां चला गया राइट साइड पे तो 180 एट्टी वन तो क्या होगा 9 बाई फाइव तो ये फार्मूला बन जाएगा डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू इज़ इक्वल टू नाइन बाय फाइव और साथ आ जाएगा कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव तो ये आपके पास कन्वर्जन है और अगर आपने कन्वर्ट करना है किसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को कैलवन में या आपने कन्वर्ट करना है कैल्वन को सेल्सियस में आप इन दोनों को इक्वल कर दो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो तब क्या होगा डिनोमिनेटर का हंड्रेड हंड्रेड से कैंसल हो जाएगा और रिलेशन आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव अब आप खुद जरा डिसाइड करें क्या ये सेपरेट फार्मूलाज याद करना आसान है या सिर्फ ये रेशो को याद रखना आसान है क्या चीज आपको इजी लगती है देखते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट किस चीज को प्रेफर करेंगे क्या ये रेशो याद रखना आसान है या सेपरेट इनके चार पांच फार्मूलाज याद रखना आसान है बिल्कुल रेशो को याद रखना आसान है क्योंकि रेशो के साथ आप इजीली अगर आपको कोई अननाउन स्केल दिया जाए कि के एफर्ट्स करें वो कहते हैं चौथा स्केल है उस चौथे स्केल में आपको बता दिया गया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप उसकी रेशो को भी लिख लोगे और उस रेशो को लिखने के साथ आप उसकी इजिली कन्वर्जन को कर लोगे तो प्रेफर आप करोगे रेशो को तो मैं बाकी जो ये फार्मूलाज हैं उनकी जगह मैं खुद भी जब भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इस रेशो के थ्रू उसको सॉल्व करूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन तीन पे अप्लाई नहीं होगा अगर कोई फोर्थ स्केल होगा तब भी ये अप्लाई होता है एक और चीज उसके बाद फिर आपको छोटी सी नमाज की ब्रेक देंगे ये तो फार्मूला है जब आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है ये फार्मूला याद रखिएगा यह फार्मूला यूज होता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए जब आपने एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है कई दफ़ा आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो टेम्परेचर के डिफरेंस के कन्वर्ट करने से रिलेटेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर का डिफरेंस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है बताओ ये टेम्परेचर का डिफरेंस फॉरन हाइट में क्या होगा केलवन में क्या होगा तब क्या करना है देखो तब आपको ये करना होगा ये जो न्यूमरेटर में वैल्यूज है ना ये डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू और कैलवन माइनस टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव ये तीनों डिफरेंस हैं किससे इक्वल एक सिफिक्स पॉइंट है आपने इन तीनों की जगह डेल्टा टी लिख देना जब तीनों की जगह आप डेल्टा टी लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस इन सेल्सियस डिवाइड बाय हंड्रेड फॉरनाइट में क्या आ जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस इन फॉरनाइट डिवाइड बाय वन एटी और सिमिलरली जब आप कैलवन को लिखोगे तो आप लिखोगे टेम्परेचर का डिफरेंस इन कैलवन डिवाइड बाय हंड्रेड तो ये आपके पास फार्मूला आ गया जिसके थ्रू आप टेम्परेचर के डिफरेंस को भी इवन कन्वर्ट कर सकते हो तो ये दो फार्मूलाज आपके पास इंपॉर्टेंट है एक फार्मूला जिसके थ्रू आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हो और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या आ गया जहां पर आप कन्वर्ट करोगे किस को टेम्परेचर के डिफरेंस को एग्जाम्पल अभी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा किसको कैसे आपने यूज कर रहा होना है पहले तो ये चीज रिकनाइज करें कि जी फार्मूला हमें समझ आ गया कि फार्मूला टेम्परेचर के कन्वर्ट करने का क्या है और फिर दूसरा फार्मूला टेम्परेचर के डिफरेंस के कन्वर्ट करने का क्या है और यहां पर आप एक चीज देखें कि जो आपके पास फॉरनाइट है सॉरी सेल्सियस है और जो कैलवन है अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हो तो इन दोनों को इक्वल करने से होगा क्या आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यही बचे वजह है कि टेम्परेचर का डिफरेंस कैलवन में और सेल्सियस में क्या होता है सेम होता है तो क्योंकि दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का जो डिफरेंस है वो क्या है वो सेम है तो दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा लेकिन क्या सेल्सियस और फॉरन में ये सेम होगा नो no. क्यों जब आप सेल्सियस और फॉरन को इक्वल करोगे तो वहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वहां जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास नीचे आ जाएगा हंड्रेड यहां पर आपके पास आ गया चेंज फॉरन हाइट का डिवाइड बाय 180 तो अगर आप 180 एटी और हंड्रेड को सॉल्व करो तो 20 इंटू फाइव ट्वेंटी इंटू नाइन तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक शॉर्टकट बन जाएगा और जो शॉर्टकट मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं और वो ये होगा कि टेम्परेचर चेंज इन फॉरन हाइट इज इक्वल टू नाइन बाय फाइव टाइम्स टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस और यही शॉर्टकट एग्जैक्टली आपके पास कैलवन का भी होगा क्यों क्योंकि टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में और टेम्परेचर का चेंज कैलवन में क्या होता है सेम तो ये आपके पास दो रिलेशन बन गए जहां पर आप फॉरन हाइट को सेल्सियस में या फॉरन हाइट को कैलवन में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर मैं ये कहूंगा कि गलती नहीं करनी ये फार्मूलास टेम्परेचर के डिफरेंस को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और ऊपर जो फार्मूलास पड़े थे वो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करो ताकि इनका यूज आपको समझ आ जाए कि इसका यूज क्या है क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि अगर जो टेम्परेचर है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस है तो बताएं ये टेम्परेचर आपके पास फॉरन हाइट में क्या होगा दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे क्या अगर टेम्परेचर का डिफरेंस फॉरन हाइट में वन एट्टी डिग्री है तो बताएं टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस में क्या होगा दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया टेम्परेचर का चेंज सेंटी में गिवन हो तो फारेनहाइट में कर सकते हैं यही तो बताया यही तो फार्मूला आपके पास कि फारेनहाइट और सेल्सियस के चेंज को कन्वर्ट किया और फारेनहाइट और कैलवन के चेंज को कन्वर्ट किया अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है और उसके बाद फिर आप लोग नमाज पढ़िएगा नमाज के बाद फिर दोबारा हम क्लास को स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन जो था वो टेम्परेचर के कन्वर्ट करने से रिलेटेड था तो वहां पर जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा डिग्री सेल्सियस ओवर हंड्रेड इज इक्वल टू डिग्री फॉर नाइट माइनस थर्टी टू ओवर वन एटी आप जो गिवन है उसको सब्सिट्यूट करो आपको गिवन है सेल्सियस की वैल्यू इसे सब्सिट्यूट कर दें जब सब्सिट्यूट करेंगे यहां पर आपके पास फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड आ गया और यह आ गया फॉर नाइट माइनस थर्टी टू ओवर वन एटी सॉल्व करें ये जीरो आपके पास कैंसिल हो गया ये जीरो आपके पास कैंसिल हो गया 18 मल्टीप्लाई करते फोर से 18 इंटू फोर क्या होता है 72 तो ये आपके पास 72 आ गया डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी नेगेटिव लेफ्ट पर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो डिग्री फॉरन हाइट इज इक्वल टू तो थर्टी टू प्लस सेवन टू आपका फॉरन हाइट इक्वल नहीं होता क्योंकि इससे रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन होता है वो नेगेटिव